हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और वो नुकसान क्या हुआ है, वीडियो नहीं आएगी। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा कैमरा है, इसकी हालत क्या हो गई है। एक छोटा सा या तो गलती समझ लें या फिर बदनसीबी समझ लें कि ज़रा सी एक प्रॉब्लम में पूरा कैमरा ख़राब हो गया है। मैं आपको बताता हूँ पूरा सीन किस तरह से इसकी हालत हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, आज कैमरे की क्या हालत हो गई है यार। एक छोटी सी गलती से सारा कैमरा बेकार हो गया है। मतलब बहुत शानदार कैमरा था, बस अब गलती ये हुई कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो इस पे था ये स्टैंड, मेरा एक मैनुअल स्टैंड है। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा जुगाड़ टाइप करा है। होता ये है कि जैसे यहाँ पे ये जो कसने का है ना, इस पे ये कसा जाता है, ठीक है। अब इस तरह से ये लेंस से जब शूट करते हैं तब इस तरह से बाहर रहता है। अब हुआ ये कि हो सकता है कि एक आध दो आटे कम हो, जब मैं इसका हाइट जब इसकी थोड़ी सी बढ़ा रहा था, एक्चुअली में यहाँ से बढ़ती जाती है इसकी हाइट, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होके लेंस जब शूट पे ही था तो बिल्कुल ऐसा कैसा लेंस के बलिए बिल्कुल गिर गया। तो फिर मतलब इसमें लेंस का आगे पीछे होना ही बंद हो गया और कैमरे में मतलब एरर आने लगा। अब एरर आने लगा तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको खोल के देख लेते हैं कि लेंस में मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी। पर लेंस की सेटिंग इतनी पेचीदा है दोस्तों इसकी, कि इसको मतलब रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। मतलब मैंने कैमरे वाले बंदों से भी बात की तो उनका कहना यही है कि पूरी तरह से ये इसका लेंस का मिलता है। अब लेंस का मिल तो रहा है, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसी का पूरा एक लेंस का पूरा सिस्टम। तो ये यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं बता रहा है। अब इसके जैसा ना तो कैमरा मिल रहा है दोस्तों, वो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि मतलब अब इसका क्या किया जाए। सबसे अच्छा जूम वगैरह और क्लियरिटी में सबसे बढ़िया चीज़ थी यार, वॉइस वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी इसमें, और आज ये हालत हो गई। इसकी बड़ा दुख हो रहा है मेरे को, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पेचीदा फिटिंग है, वापस तो फिटिंग बनती नहीं है। काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ मैं, तो अब इसका क्या किया जाए। अब देखते कहीं मिल जाए कैमरा इस तरह का तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। मैंने खोलने का भी मतलब इसको खोल के ट्राई करा था, देखिए इसका अंदर इस तरह का पेचीदा सिस्टम रहता है। ये जो पूरा लेंस रहता है वो यहाँ पे फिटिंग रहता है इसका इस तरह से, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत जगह मैंने ट्राई किया है, और वो इंडिया से बाहर इसके लेंस की, ये वाला जो लेंस है इसकी डिलीवरी बाहर मिल रही है, जो इसका आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। अभी वीडियो में हो सकता है कि आपको लेट हो जाए, लेकिन कुछ वीडियो, दो से तीन वीडियो मेरे पास बने हुए हैं, वो तो पोस्ट कर दूंगा जिनकी एडिटिंग अभी चल रही है। बाकी ये जो है मैंने मेरे फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। अब बड़ी मुश्किल हो गई दोस्तों, समझा नहीं सकता मैं इस प्रॉब्लम को, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है इससे। अब वीडियो में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो क्वालिटी जो इसमें थी वो नहीं है अब। तो देखा दोस्तों किसी बैंड बज गई इस कैमरे की, अब क्या किया जाए मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितना तो अभी यूट्यूब से इतना कमाया भी नहीं है कि इसमें इतना मतलब वो कर दिया जाए, खर्चा कर दिया जाए। मान के चलिए ये मैंने जब लिया था ना, तो मेरा कम से कम ये 5 से 7 साल पुराना कैमरा है, क्योंकि जब मैंने लिया था तो मेरे को इसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे थे। मैंने शूटिंग वगैरह फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने लिया था, और काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव कैमरा लगता था जब भी बाहर निकाल लो। तो ऐसी चीज़ सैमसंग में मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, काफ़ी मतलब महंगा था उस समय। मत मान के चलिए कि 25,000 रुपये का कैमरा था। तब मैंने इसको बड़े तोड़ पानी में करके मतलब एक से मैंने 1 या 2 महीने चला हुआ कैमरा 20,000 रुपये में लिया था, और आज इसकी 1 सेकंड में बैंड बज गई। तो क्या कर सकते दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हार जाएंगे, देखते हैं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करेंगे, नया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो आएंगे, थोड़ा लेट हो सकता है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द खुशखबरी दूँ कोई कैमरा लेकर के। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।